हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज है मंडे और हम जा रहे हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए, सेकंड डोज के लिए। आज फाइनली हमारी सेकंड डोज लग जाएगी, तो उसके लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, नाया को दिखा देती हूँ। जस्ट अभी इनके पापा गए किसी काम से, थोड़ा यहाँ गाड़ी खड़ी करके। और ये मैडम देखो क्या कर रही है उनकी सीट पर बैठ के। कानो दिखाओ, ये किस लिए, ये लगा के दिखाओ, जल्दी लगा, लग गया, दिखा। अच्छा हाँ, अब ये देखो। हेलो गाइस, कर दो। हेलो गाइस। कैसे? हेलो गाइस। कानू, अब हम क्या कर रहे हैं? पापा क्या डरा रहे हैं? पापा क्या कराने आए हैं यहाँ? ये क्या? ये को पूरा बोलो। क्या डरा पापा? कानू क्या डलाएंगे? ये क्या बोलते हैं इसको? एक गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल डला रही है। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे पता गाड़ी में पेट्रोल डला रही है? तुम्हें छुप बचाओ है। काजू, हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर ब्राउन जा रही है। डॉक्टर ब्राउन नहीं जा रहे, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। आज मम्मा पापा की सेकंड डोज लगेगी वैक्सीनेशन के लिए। और सुनो, अगर मम्मा की तबीयत खराब हो गई तो आप मम्मा का ख्याल रख लोगे? नहीं रखोगे? अच्छा, डॉक्टर ब्राउन के पास जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मम्मा की तबीयत खराब हो गई तो मम्मा का ध्यान रखोगे? नहीं रखोगे? मम्मा के लाड प्यार करोगे? मम्मा को प्यार कर दो। और दादी नहीं जा रहे? हाँ, हम जो कानू कह दो वहाँ जाएंगे। ओके, हाँ डॉक्टर बाबू जाएंगे। डॉक्टर ब्राउन चेकअप कैसे करता है फिर बेबी का? कैसे देखते हैं डॉक्टर ब्राउन ने? कैसे देखा था कानू बेबी को, चेक कैसे किया था? अच्छे। बस अब हम रास्ते में हैं, जा ही रहे हैं अपने वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। और एज यूजुअल आपको पता है, हम कभी टाइम पे तो जाते नहीं हैं, फिर से लेट है। इसीलिए भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड पे, क्योंकि इन्हें पता है लेट है। इन्हें सारे काम याद आते हैं जब निकलते हैं। इन्हें निकलना है 11 बजे, तो घर से निकलेंगे 12:30 बजे। फिर आधे घंटे रास्ते में इन्हें टायर की हवा चेक करानी है, टायर चेक कराने हैं, इंजन चेक कराना है, सब कराना है। उसके बाद फिर कहेंगे अब चलो। जब मतलब 2 बजे अगर हमें पहुँचना है तो 2:45 निकल ही लेंगे। और बंदे का फोन आ जाए सामने, उसको कहेंगे अरे रास्ते में हूँ, बस निकल गया हूँ। अब देखो आज वैक्सीनेशन हो पाती है नहीं हो पाती है, बताओ क्या हो जाएगी? एक सुखद यात्रा का अनुभव। वैक्सीनेशन का हमारी, और कल कानू के स्कूल में फंक्शन है। फिर लग गई तुम्हारी वैक्सीन? नहीं पीपी, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन तो आज ही होगा, उसी में इसकी अगर सपोज दैट नहीं लगता इन केस, तो ऐसा कोई लिखा नहीं, जरूरी नहीं कि अगर लास्ट डेट है तो ना हो, लोग 2-2 महीने बाद 3-3 महीने बाद। आवाज नहीं आ रही, थोड़े माइक लगाएंगे अपने गले में भाई साहब। मैं क्यों बोलूं, बोलने लायक हम बच्चे नहीं हैं। कितना प्यारा रास्ता है, दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और साइड में बहुत बड़ी नहर है। जो भी पेड़ पौधे खड़े हैं, इस चक्कर में मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बड़ी नहर है, और नहरी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी शायद ये सूखी हुई है, तो पानी नहीं है, इसमें पानी ही नहीं है सूखे। नेक्स्ट टाइम जब हम आए थे पिछली बार जब वैक्सीनेशन के लिए, तब पूरी एकदम फुल भरी हुई थी, खाली है। ये जो है रोड मुझे बहुत प्यारी लगती है, चारों तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये देखिए साइड में आपको दिख रही हो, तो ये जो पेड़ पौधे तो रखी हुई नहर है इधर, ये देखिए ये शायद अभी से पानी नहीं है, रोका हुआ है। कानू ये को सामने से क्या रहा? ट्रैक्टर क्या रहा? ट्रैक्टर। वाओ ट्रैक्टर, यस ट्रैक्टर। ये क्या रहा कानू? कार, ट्रक, कार। बस अब हम पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं अपने वैक्सीनेशन सेंटर। पहले जहाँ मुड़े थे वो रास्ता था, इन्हें रास्ता ही नहीं पता। रास्ता नहीं पता जाए, मैं रोज आता हूँ। मैं तो चलो ठीक है, तुम्हारा फिर भी यार रोज खाना जाना है मेरा। रोज का यार, तुम्हारे साथ आया था एक बार। और आगे बैठे, आगे गाड़ी ड्राइव तो तुम चल रहे थे, मैं तो पीछे बैठी थी, फिर भी मुझे याद। फिर भी मुझे याद ना, मुझे थोड़ी पता था कि विदाउट पापा के बिना आना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसे लगे जब पापा आएंगे तो मैं भी। कितनी सुंदर सुंदर, ये देखो ये वो है ना, आम के बाग है ना, या ये आम के बाग है। ये हम पहुँच गए अपने वैक्सीनेशन सेंटर, ये देखिए सामने दिख रहा होगा।
पिताजी का ऑफिस है, इतना तो बनता है। और ये हमारा वैक्सीनेशन सेंटर। डॉक्टर ब्राउन कहाँ है? डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर ब्राउन कैसे मैम? डॉक्टर ब्राउन कहाँ है? ये डॉक्टर ब्राउन है। आप पेपर पे को डॉक्टर ब्राउन को चेक करवा इंजेक्शन दर्द हो गया डर रही आप मम्मी की हेल्प करोगे कर लो अच्छा मम्मा को दर्द होगा ओहो रोज मम्मी आपके लगवाती है आज मम्मी के लगेगी थैंक यू बोलो बेटा मम्मा तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपको कहाँ का दर्द होता है कहाँ का दर्द होता है पेट में दर्द होता है अच्छा हो गया चलो हो गया तो फिर मैं वापस और फाइनली हमारा वैक्सीनेशन हो गया है। लोकेशन देखो कितना प्यारा है यहाँ ये देखो पीछे खेल रही है मैडम कहाँ है गाड़ी बेबी की बताओ ये देखो इधर गिलहरी देख रहे हैं लोग गिलहरी देखने की खुशी है कहाँ है गिलहरी एक सेकंड कहाँ है दिखाओ दिखाओ बेबी वो देखो ऊपर गिलहरी है वाह कानू आपको अच्छा लगा वो देखो बटरफ्लाई बटरफ्लाई ये देखो बटरफ्लाई ये देखो ये वाह बटरफ्लाई पकड़ो 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 यहाँ जामुन के पेड़ हैं अमरूद के पेड़ हैं जमनी के पेड़ हैं बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ कम से कम 6 फुट से ज्यादा है बड़ा यहाँ 7 फुट से ज्यादा लंबाई है चमकी मेरे बैग का यहाँ पे एक सांप रहता है उसकी केचुली है ये एक नहीं पता नहीं कितने हैं बाप रे चलो गाड़ी वहाँ खड़ी है जा जा चलो मम्मा कम मम्मा कम मम्मा प्लीज कम यार बाप रे पूरी की पूरी है अभी तो घूम रहा था यही थोड़ी देर पहले सांप था यहाँ पे और यहाँ हम आ गए रेस्टोरेंट पे खाना खाने बड़ा मस्त रेस्टोरेंट है हर चीज़ मिल रही है हाँ ठीक है ये खिलाएंगे वैसे आप रेस्टोरेंट जाओ नॉर्मली खाना होता है काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे आए हैं अब ऑर्डर करते हैं देखो क्या मंगाते हैं हम लोग और यहाँ हम खाने का वेट कर रहे हैं उनको देखो इसे मेन्यू कार्ड चाहिए क्या खाओगे हैं चाय आप क्या खाओगी बताओ क्या नहीं पियोगी आप क्या खाओगी इसके लिए भी तो कुछ मंगाना पड़ेगा तुम क्या खाओगी बताओ कुछ नहीं खाओगी चीला खाओगी रोड साइड ढाबे पे अगर आप खाने आओ तो इसका तो मज़ा ही कुछ और है और बड़ा मज़ा आता है इसको सामने व्यू देखो व्यू दिखाती हूँ कितना प्यारा व्यू है चाय पियोगे?
तुम्हारा मन कर रहा है कुछ खाने का? नहीं। ये है मेरे छोले कुलचे और मेरी चाय। गरम चाय, ब्लैक पानी। भैया गिलास करवा दियो, गिलास गिलास। क्या कहोगे गिलास का? पानी गिलास। और ये खाना जो हम खा नहीं पाए थे बच्चा, तो हमने पैक करा लिया। रास्ते में जो मिलेगा जरूरतमंद उसे दे देंगे। आप भी आई होप ऐसे ही करें, जब आप कहीं खाने जाए खाना बन जाए तो पीने के मत पैक कराएं, कोई जरूरतमंद मिले उसे। खाना पीना हमने खा लिया, बस यहाँ से निकल रहे हैं। अभी इनकी डिमांड रहेगी गोलगप्पे की, तरह गोलगप्पे और खिला दें बस। गोलगप्पे ये भैया है और कानू बेबी को गोलगप्पे खिला रहे हैं। कानू खाओ, लो आराम आराम से देना भैया। कैसे है यम? अभी तो आपने खाए नहीं और यम लगने लगे। ओहो रेड कानू बेबी सिटिंग। गोलगप्पे खा रहे हो? और अब हम खाना खा के जा रहे हैं। बस खाना खा लिया, ये रहा पीछे हमारा ढाबा जिससे हमने खाया था पीछे, और वापस जा रहे हैं अब हम घर की तरफ। आज दादी घर लेके आए हैं और दादी है नहीं घर में, देखते हैं रिएक्शन क्या होता है जो दादी से नहीं मिलेंगी घर में। और अगर अब दादी नहीं मिलेंगी देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होता है। चलो दादी। हाँ दादी। कहाँ दादी? दादी कहाँ है? चलो 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 दादी। कहाँ दादी? दादी अंदर सो रही है। कानू इधर देखो, कानू इधर देखो, इधर मम्मा को। दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? कहाँ है दादी? अरे दादी कहाँ गई? दादी नहीं है। बाप रे दादी, दादी नहीं है। दादी कहाँ? दादी को ढूंढो, ढूंढो दादी कहाँ है। देखो बोतल में तो नहीं छुपी बैठी है जिन बन के। दादी आई नहीं। दादी दादी अपने घर गई। दादी के आइसक्रीम ले। दादी कहाँ है? दादी किचन में। दादी कहाँ है? कहाँ गई दादी? दादी छुक छुक ट्रेन में चली गई। कोई बात नहीं, हम रहेंगे यहाँ पे, खेलेंगे इनको, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। दादी का सारा घर उथल पुथल मचाएंगे आज, ठीक है? ओहो दादी के फ्रिज में क्या रखा है? ये है दादी का किचन, देखो तो। दादी चलो अंदर आओ। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ दादी को एक मिनट। दादी चाहिए? दादी पैक करवा रखा है मैंने, रोटी होगी कढ़ाई पनीर होगा खाली हो, ठीक है? सही है, खा फेंकना मत, बहुत अच्छा है, ठीक है? और बस अब हम घर लौट के आ गए हैं। आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उसके डैडू जा चुके हैं घर में, इसको चॉकलेट डलाने गई थी। ये देखो कानू दिखाओ कहाँ आप चॉकलेट खा रहे। ये चॉकलेट खा रही है। मैं नीचे चली गई थी चॉकलेट डलाने, घर आ गए। तो आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। कैसे बाय।